हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग। पिछले क्लास में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की चर्चा हम लोग किए थे। अब आगे की बात है उसका ग्लोसरी नोट्स और उसका ग्रामर, ठीक है। तो ग्लोसरी, अब किताब खोलकर देखिए, ग्लोसरी एंड नोट्स उसका निकालिए, जो है आपको पेज नंबर 45 यानी 45 में, ठीक है ना, ताकि अगर आपको कोई असुविधा बुझाए तो आप किताब से सपोर्ट लीजिए। ग्लोसरी एंड नोट्स जो यहाँ दिया गया है, किताब में भी है, इंग्लिश टू इंग्लिश हमने यहाँ हिंदी उसका लिख दिया है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार। कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब विचार, डाइवर्सिटी माने अनेकता, अनेकता जिसमें बहुत सारा चीज हो, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक, इनडुबिटेबल निसंदेह, होमो स्पीएंस मानव जाति, हर्सूट माने रुआदार, रुआदार रुआ यानी बाल, ठीक है, जैसे जानवरों के शरीर पर बाल रहता है, रुआ रहता है, छोटा छोटा बाल रुआ कहलाता है। तो क्या करता है, गर्मी देता है यानी सर्दी से रक्षा करता है जानवरों की, तो रुआदार, ठीक है। कॉग्निशन माने जन्मतः यानी जन्मजात, कैटास्ट्रॉफी अचानक आई विपत्ति, कर्मिंग प्रतिबंध, एरोडाइट सुसंस्कृत विद्वान पंडित, डिप्रेडेशन विनाश, मल्टीप्लिसिटी बहुतायतता अधिकता, ब्रूट्स हिंसक जानवर, ह्यूमने दयालु, प्रोपिचुअस शुभ महत्वपूर्ण, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शास्त्री या उसको मानव विज्ञानी भी कहा जाता है, ठीक है। मूलोद प्राचीन अन्न के देवता जिन्हें बच्चों की बलि दी जाती थी, ठीक है, यानी प्राचीन जमाने में जब इन्वेंशन हुआ एग्रीकल्चर का, तो उस समय क्या था कि बच्चों की बलि दी जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि अन्न के देवता मूलोद तब तक खुश नहीं होंगे जब तक उनको बच्चों की बलि नहीं दी जाती थी। तो ये देवता थे उस समय, उनका नाम था मूलोद। इवेंजेलिकल्स यानी रूढ़ीवादी ईसाई, रूढ़ीवादी, रूढ़ीवादी किसको कहते हैं, पुराने ख्याल जैसे है ना, उसमें चैप्टर में है कि मैनचेस्टर के रूढ़ीवादी ईसाई 6 साल के बच्चों को उद्योग में काम पर लगा देते थे और उनसे 12 से 14 घंटे काम लेते थे, जिसका नतीजा होता था कि उनमें से अधिकांश बच्चे मर जाते थे। और उसके बाद है प्री रिक्विजिट पूर्व शर्त, और देंस माने वहां से, फ्रॉम देयर वहां से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लोसरी एंड नोट्स, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। याद करने से दो फायदा है, आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा, इंग्लिश बोलने वगैरह में सुविधा रहेगी, कहीं कोई असुविधा आपको नहीं होगी, इसलिए इस सब को आप याद करते रहिए। अब है कि इधर स्पेलिंग वगैरह करेक्ट करना है, तो उसके बारे में मैंने आपको कहा कि वो काम सब आप स्वयं कीजिए, चैप्टर से खोज खोज सारा स्पेलिंग करेक्ट कीजिए। रेडीमेड खाली बस खाइए मत, थोड़ा अपना भी हाथ पांव चलाना है इसमें, तब आपका प्रैक्टिस होगा और आपका ज्ञान वर्धन होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि D2 से ग्रामर है, तो D2 देखिए पेज नंबर 46 कहता है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली, गिवन बिलो ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, ठीक है, यानी नीचे चैप्टर से लेसन से शब्दों का एक लिस्ट दिया गया है। राइट देयर एंडोनिम्स बाई एडिंग प्रीफिक्सेज लाइक इन, ऑन, डिस, इम,
तो कहता है कि ये शब्द दिए गए हैं, इनका आप उल्टा शब्द बनाइए। क्या चीज लगा के? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? उस दिन भी हमने कहा कि प्रीफिक्स क्या है, शब्द के पहले, यानी फॉर्म क्लास स्ट्रक्चर वर्ड्स पढ़ाए आपको, जिसमें हमने कहा कि मॉर्फिम शब्दांश है, जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरे शब्द के शुरू में या उसके अंत में लग कर उस शब्द का रूप और अर्थ बदल देता है। तो शब्द के शुरू में जो अंश लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और शब्द के अंत में जो अंश लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। हिंदी में इसको उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो वही कहता है कि प्रीफिक्स लगाना इन शब्दों में क्या, यहां दे दिया है इन, ऑन, दिस, इन। अब किस में लगेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो जैसे शब्द है एडवांटेज, तो इसका कौन सा प्रीफिक्स लगेगा एडवांटेज में? डिसएडवांटेज, डी आई एस प्लस एडवांटेज, बराबर। अब आप लिखिए इसको दोनों को मिला के डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद है सर्टेन। सर्टेन में क्या लगेगा? सर्टेन माने निश्चित, तो उल्टा क्या हुआ? अनिश्चित, यानी अन, यू एन, प्लस सर्टेन, बराबर अनसर्टेन। आप लिखिए उसको, हम नहीं लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, अब दोनों को मिला के आप लिखिए। डेफिनेट, इसमें क्या लगेगा? इन प्लस डेफिनेट, बराबर इनडेफिनेट। उसके बाद है फ्रेंडली, इसमें क्या लगेगा? ऑन, यू एन ऑन, प्लस फ्रेंडली, बराबर अनफ्रेंडली। उसके बाद है मोरल। मोरल इसमें क्या लगेगा? इम, आई एम, प्लस मोरल, बराबर इमोरल, यानी तब हो जाएगा आई डबल एम ओ आर एल, इमोरल। एग्रीएबल, एग्रीएबल इसमें क्या लगेगा? डिस, डिस प्लस एग्रीएबल, बराबर डिसएग्रीएबल। श्योर, ऑन प्लस श्योर, बराबर अनश्योर। फॉरसीन, अनफॉरसीन, अन प्लस अनफॉरसीन। प्लेजर, डिस प्लस बराबर। तो ये क्या है? ये सारे प्रीफिक्स हैं, ठीक है, पी आर ई एफ आई एक्स, प्रीफिक्स हैं, और ये शब्द हैं।
और इसमें ये लग गया तो इसका उल्टा हो गया ये सारा शब्द। एडवांटेज उपलब्धि, डिसएडवांटेज अनुपलब्धि, एग्रीएबल मान सहमति हो, डिसएग्रीएबल असहमति, ठीक है ना। तो ये सारा शब्द उल्टा हो गया, इसका अर्थ उलट गया। अब चलिए डी थ्री, ठीक है। मैच द वर्ड्स गिवेन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो यहां क्या है, आपको मैच करना है। ए में है हर्सूट, कैटास्ट्रॉफी, यूरिडाइट, स्नूज, ह्यूमन है प्रोपिचुअस एंड कैनिबलिज्म। बी में है नोड ऑफ ऑस्पिशियस, कल्चर्ड, बर्बरिज्म, सडन ग्रेट डिजास्टर, कंपेशनेट और कवर्ड विथ हेयर, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए कि ए में एक दो नंबरिंग कीजिए और बी में ए बी सी डी। किताब पर ही नंबरिंग कर दीजिए, ए में एक दो और बी वालों को ए बी सी डी कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे एक दो तीन चार पांच छः सात, छः सात, ये क्या है, ये ए है। अब बी में कर दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी, हो गया। तो ये हो गया नंबरिंग। अब इसका सही करना है, क्या कहता है, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, यानी ए और बी में ये जो शब्द दिए गए हैं उसका मैच कीजिए कि ए में जो हर सूट जो शब्द है उसका बी के किस शब्द से मेल खाता है, ठीक है। तब ये तो हो गया ए बी एक दो और ये हो गया ए बी सी डी, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब चलिए आंसर, आंसर में अब पहला है हर सूट कौन सा इसमें से मेल खाएगा, तो इसमें खाएगा लास्ट वाला जी, कवर्ड विथ हेयर, रुआदार, तो उसके सामने लिखिए जी। ये सही आंसर हुआ, यानी पहला का जी। दूसरा है कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी ग्लोसरी में अभी लिखे थे, अचानक आई विपत्ति, यानी सडन ग्रेट डिजास्टर। तो सडन ग्रेट डिजास्टर इसमें से कौन सा है, ए बी सी डी ई पांचवा है, ठीक है। तो दूसरा का हो गया ई। उसके बाद है यूरुडाइट, ठीक है, इसमें क्या है तीसरा का हो गया आपको, इसमें भी तीसरा सामने ही है, कल्चर यानी सी। उसके बाद है चौथा में है स्नूज, स्नूज का होगा ए नोड ऑफ। उसके बाद है पांचवा में है ह्यूमन ए, ठीक है, इसका होगा एफ कंपैशनेट, तो इसका उत्तर हो गया एफ। छठा है प्रोपिचुअस, इसका होगा बी ऑस्पिशियस, और सातवा में है कैनिबलिज्म। इसका होगा डी बार्बरिज्म, ठीक है। और सारा डिजिट हो गया ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ऐसे भी एक बार बोल देते हैं
अब किताब में मिला ये हर्सूट का होगा कवर्ड विथ हेयर कैटेस्ट्रॉफी, इसका होगा सडन ग्रेट डिजास्टर। एरोडाइट इसका होगा कल्चर्ड। स्नूज इसका होगा नोड ऑफ। ह्यूमने इसका होगा कंपैशनेट। प्रोपिशियस इसका होगा ऑस्पिशियस। और कैनिबलिज्म इसका होगा बार्बरिज्म। ठीक है, तो ये हो गया मैच ए और बी का। हमने क्या कहा, ए वाले का नंबरिंग कर दीजिए 1-2 और बी वाले का कर दीजिए ABCD। और तब जो है पहला का जैसे जी, दूसरा का ई, तीसरा का सी, चौथा का ए, पांचवा का एफ, छठा का बी और सातवां का डी। ये क्या है, ये सारे आंसर्स हैं। ठीक है, ओके। अब आगे चलिए, रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेज हैव बीन यूज्ड। यूज दिस फ्रेजेज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। ठीक है, तो कहता है कि लेसन सावधानी पूर्वक पढ़िए और पता लगाइए कि ये फ्रेज कहाँ यूज हुए हैं और फिर इनको अपने सेंटेंस में मैंने अपना सेंटेंस बनाइए इन सब फ्रेज को साथ में लेकर मिलाकर। ठीक है, तो खैर किताब में पढ़कर वो खोजिएगा, वो आप खोजिएगा। ठीक है, हम यहाँ जो दिया है उसका बता रहे हैं, एट एनी रेट, एट एनी रेट। ठीक है, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट, इन सब का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, चाहे जैसे भी हो। नहीं कहते हैं किसी भी कीमत पर ही काम हमको करना है, चाहे जैसे भी हो ही हमको करना है। तो इसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर, तो ये तो उसका अर्थ हो गया एट एनी रेट का। अब कहता है इसे एक सेंटेंस बनाइए। तो सेंटेंस में उन्होंने कहा कि आई हैव टू बाय दिस फ्लैट एट एनी रेट। आई हैव टू बाई दिस फ्लैट एट एनी रेट। किसी भी कीमत पर यह फ्लैट हमें खरीदना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है, ये हो गया पहला। दूसरा है हैव टू डू विथ, have to do with, have to do with, इसका मतलब है से संबंधित। से संबंधित है। जैसे हमने कहा कि ये टीचर ए टीचर
हैज टू डू विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स उसके बाद है हैंड ऑन, तीसरा है हैंड ऑन. हैंड ऑन माने होता है सुपुर्द करना. सुपुर्द करना ठीक है. हमने कहा विल यू हैंड ऑन, विल यू हैंड ऑन दिस बैग टू my friend. क्वेश्चन मार्क ठीक है. उसके बाद है चौथा last for. last for इसका मतलब होता है टिकना. ठीक है. नए लोग कहता है कि ये चीज ज्यादा दिन तक लास्ट करेगा, चाहे इसका लास्टिंग ज्यादा दिन तक है. ठीक है. टिकना या लोग ये कहता है कि चीनी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, तो ये खाना ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा. ठीक है ना. हमने क्या कहा कि दिस राइस स्टॉक, दिस राइस स्टॉक विल नॉट लास्ट फॉर more than a week, more than a week, यानी यह चावल का स्टॉक एक सप्ताह से ज्यादा लास्ट नहीं करेगा. ठीक है. एंड लास्टली है टेंड टू. टेंड टू माने इरादा रखना. इरादा रखना जैसे राहुल टेंड्स टू बिकम एन IAS, यानी राहुल IAS बनने का इरादा रखता है. ठीक है. तो ये हो गया फ्रेज एट एनी रेट, हैव टू डू विथ, हैंड ऑन, लास्ट फॉर, टेंड टू.
ठीक है। अब है आगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन केयरफुली, ठीक है। आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम। तो यहाँ देखिए अबाउट को बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। फिर है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, यानी यहाँ भी ऑफ को, इन को और ड्यूरिंग को बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि यू सी दैट द वर्ड अबाउट इन द फर्स्ट सेंटेंस इज यूज्ड बिफोर ए प्रोनाउन देम। अब देखिए कि पहले सेंटेंस में अबाउट जो शब्द है वो एक प्रोनाउन देम के पहले यूज हुआ है। सिमिलरली ऑफ, इन एंड ड्यूरिंग इन द सेकेंड सेंटेंस आर यूज बिफोर ए नाउन, हंगर ए नाउन, नाउन फ्रेज लार्ज नंबर एंड ए नाउन विंटर रेस्पेक्टिवली। उसी तरह से दूसरे वाक्य में, ठीक है, ऑफ, इन और ड्यूरिंग, ठीक है, ये यूज हुए हैं किसके, बिफोर ए नाउन हंगर, यानी एक नाउन हंगर के पहले, नाउन फ्रेज लार्ज नंबर के पहले और फिर एक नाउन विंटर के पहले, ठीक है। सच ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्लेस पोजीशन टाइम एंड और मेथड इज नोन एज, रिपोजिशन लिखा है, मिस्टेक है, मिसप्रिंट हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो कहता है कि इस प्रकार के शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं, उनका संबंध, प्लेस, पोजीशन बताने के लिए उनको प्रीपोजिशन के रूप में जाना जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन आपको ग्रामर में पढ़ाया गया है, तो हमने क्या बताया है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखलाता है, ठीक है ना। तो वही ये बात कहता है। अब कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशंस, यानी ब्लैंक में सही प्रीपोजिशन आपको भरना है। प्रीपोजिशन भरना है जैसे पहला है प्लीज रीड, प्लीज रीड डैश लाइन 5 डैश पेज 10 फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरा है बर्ड्स बर्ड्स डाई डैश हंगर डैश द विंटर, द विंटर, ठीक है। उसके बाद है तीसरा ममता
ममता प्रीफर्स, प्रीफर्स कॉफी, डस्टी। उसके बाद है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज बॉर्न डैश पोरबंदर। पोरबंदर डैश गुजरात। गुजरात। उसके बाद है पांचवा छवि स्वाम, डैश द रिवर। रिवर उसके बाद छठा वी हैव बिकम डैश सर्टेन। सर्टेन रेस्पेक्ट्स रेस्पेक्ट्स लेस लाइक एनिमल्स। Less like animals, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रीपोजिशन डालना है, तब क्या होगा, प्लीज रीड। यहां प्लीज रीड डैश लाइन फाइव डैश पेज टेन। तो यहां हमारे समझ से दो प्रीपोजिशन लग सकता है, प्लीज रीड इन लाइन फाइव या आउट भी लग सकता है। ठीक है ना, ऑन पेज टेन इन ज्यादा ठीक है, इन लाइन फाइव ऑन पेज टेन यानी पेज नंबर दस पर पांचवी लाइन में पढ़िए। बर्ड्स डाई ये तो किताब में है कि डाई ऑफ हंगर, यहां ड्यूरिंग द विंटर। ड्यूरिंग बताते हैं एक मिनट आपको कहाँ है, यह है आपको पेज नंबर 42 पैराग्राफ नंबर 4, उलट कर देखिए पैराग्राफ नंबर 4। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर बट इट इज ट्रू डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, यही वाक्य है। तो यहां देख लीजिए बर्ड्स डाई ऑफ हंगर ड्यूरिंग द विंटर, ममता प्रीफर्स कॉफी टू टी, महात्मा गांधी वाज बॉर्न
एट पोरबंदर इन गुजरात, छोटा जगह के लिए एट और बड़ा शहर राज्य देश राजधानी के पहले इन का प्रयोग होता है, ठीक है। छवि स्वाम, स्वाम यानी छवि तैरा इनटू द रिवर लोग लिख देता है, लेकिन ज्यादा बढ़िया हुआ है क्रॉस। अक्रॉस द रिवर यानी नदी के आर पार तैर गया। अब वी हैव बिकम डैश सर्टेन रेस्पेक्ट्स लेस लाइक एनिमल्स, तो वी हैव बिकम इन, ये भी किताब का ही लाइन है, इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स लेस लाइक एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो गया प्रीपोजिशंस भरने का, अब बाकी अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तब ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया मेरे तरफ से। अब है कि इसका समरी, एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको अब टाइप सब हो रहा है तो आपको सेंड कर दिया जाएगा, जल्दी ही होगा, घबराने की बात नहीं है। हमको लग रहा है कि आप ये सोचते होंगे कि सर रोज रोज यही बात कहते हैं, कभी कुछ आता नहीं है, जल्दी ही जाएगा, तो आप पढ़ते रहिए। और दूसरा बात कि हमने कहा कि थोड़ा फर्स्ट ईयर पर आप कमेंट कर दीजिए, ताकि डायरेक्टर का कान मतलब खड़ा हो इस बात से कि नहीं लड़का भी मतलब प्रेशर बना रहा है, हमारे प्रेशर को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। और किसी को दिक्कत हो तो फिर हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।